हाय फ्रेंड्स, नमस्ते। वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल कलर्स ऑफ लाइफ। सो आज के वीडियो में हम बर्थडेज में किस तरह के रिटर्न गिफ्ट्स हम दे सकते हैं बच्चों को, उस बारे में बात करने वाले हैं। सो अगर आपके घर में आपके किड्स के बर्थडे पार्टी है तो आप उनके फ्रेंड्स को रिटर्न गिफ्ट में क्या दे सकते हैं। सो रिटर्न बर्थडे रिटर्न गिफ्ट आइडियाज के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो। फर्स्ट जो है रिटर्न गिफ्ट में हम क्या दे सकते हैं, तो द फर्स्ट जो आइडिया है मेरे पास वो है इंडोर प्लांट्स गिफ्ट करने का। इंडोर प्लांट्स सिर्फ बच्चों को ही नहीं, आप अगर आपकी वेडिंग है और वेडिंग में आप रिटर्न गिफ्ट देना चाहते हैं अपने गेस्ट को, तब भी आप इंडोर प्लांट्स दे सकते हैं, सक्यूलेंट्स दे सकते हैं। छोटे छोटे पॉट में बहुत अच्छा लगता है एंड इसका ना बेनिफिट भी है, आप बच्चों को दे सकते हैं। एंड अगर आप बच्चों को रिटर्न गिफ्ट में इंडोर प्लांट्स देंगे तो उनको भी गार्डनिंग का ये सब का थोड़ा सा समझ भी आएगा एंड इट इज बेनिफिशियल ऑल्सो। सो आप इंडोर प्लांट्स दे सकते हैं। ऐसे प्लांट्स दीजिए जो केयर करना इजी हो, जैसे कि मनी प्लांट्स, स्नेक प्लांट, ऐसे प्लांट्स जो केयर करना बहुत इजी हो, इजी टू मेंटेन हो, आप ऐसे प्लांट्स आप रिटर्न गिफ्ट में दे सकते हैं। एंड द सेकेंड थिंग जो आप बर्थडे रिटर्न गिफ्ट में बच्चों को दे सकते हैं वो है ज्योमेट्री बॉक्स। यस, ज्योमेट्री बॉक्स, पेंसिल बॉक्स आप दे सकते हैं एंड उसमें ना थोड़ा अच्छा वाला डिज़ाइन वाला मैं यहाँ पे आप को पिक्चर इंसर्ट कर दूंगी, तो आपको आइडिया हो जाएगा। अगर गर्ल्स हैं तो उनको थोड़ा सा बारबी वाला, अगर बॉयज हैं तो कार्टून वाला, इस तरह के आप गर्ल्स और बॉयज को दोनों को ज्योमेट्री बॉक्स दे सकते हैं। गिफ्ट भी अच्छा रहेगा, बच्चों को पसंद भी आएगा एंड वो उनके लिए यूजफुल भी रहेगा, तो आप ज्योमेट्री बॉक्स भी दे सकते हैं। एंड थर्ड गिफ्ट आइडिया जो है वो है पिगी बैंक। यस, जब मैं छोटी थी, जब मैं बच्ची थी, तब मैं पिगी बैंक में पैसे रखती थी एंड मेरी आदत अब भी है पिगी बैंक में पैसे रखने की। तो हमारे इंडियन कल्चर में हमारे इंडियन पेरेंट्स जो है बच्चों को हमेशा ही पैसे सेव करना सिखाते हैं, कॉइन सेव करना सिखाते हैं, हमारी मम्मी ने तो हमें सिखाया था। तो मोस्टली बच्चों को पिगी बैंक देते हैं घर पे कि तुम्हारे जो पॉकेट मनी है वो रखो। तो अगर हम बच्चों को पिगी बैंक देंगे तो उनके लिए वो यूजफुल रहेगा एंड पिगी बैंक में भी बहुत अच्छे अच्छे कार्टून वाले, बारबी वाले अभी तो बहुत अच्छे अच्छे आते हैं। तो आप अच्छा सा पिगी बैंक अगर उनको देंगे तो वो अपने जो मनी है, पॉकेट मनी है, वो सेव कर पाएंगे एंड मनी सेविंग की भी उनको थोड़ा सा नॉलेज होगा। तो पिगी बैंक जो है वो भी एक अच्छा ऑप्शन है। उसके बाद में जो आप दे सकते हैं बच्चों को रिटर्न गिफ्ट में वो है एलईडी बैंड्स। यस, जो लाइट वाली बैंड होती है, आप मैं पिक्चर इंसर्ट कर दूंगी यहाँ पे, तो आप इस तरह के बैंड्स बच्चों को दे सकते हैं एंड आप इसको अगर ऑनलाइन परचेस करेंगे तो सेट ऑफ 12 ऐसा भी आप परचेस कर सकते हैं। तो आपको यू नो मनी भी थोड़ा कम पे करना पड़ेगा अगर आप सेट में परचेस कर रहे हैं एंड आप बच्चों को दे सकते हैं। बच्चों को बहुत पसंद आते हैं ऐसे बैंड्स, तो उनको भी अच्छा लगेगा एंड आप भी अच्छा गिफ्ट दे पाओगे। सो अनदर ऑप्शन जो है बर्थडे में रिटर्न गिफ्ट्स देने का वो है फोटो फ्रेम्स। यस, जो वुडन वाली फोटो फ्रेम होती है आप वो दे सकते हो, क्योंकि फोटो फ्रेम अगर आप दोगे तो वो भी बर्थडेज के पिक्चर्स ही वहाँ पे लगा के रखेंगे, उनके मेमोरीज भी हो जाएगी और एक अच्छा गिफ्ट भी रहेगा। तो आप फोटो फ्रेम दे सकते हो, फोटो फ्रेम में अगर आप फोटो लगा के दोगे तो और भी अच्छा है, क्योंकि अगर आपके किड का बर्थडे है एंड अगर आप जिनके साथ भी ये बर्थडे सेलिब्रेट करोगे उन सब का आप एक ग्रुप फोटो लेके फिर वो लगा के दोगे तो भी अच्छा रहेगा, नहीं तो आप सिर्फ फोटो फ्रेम भी दे सकते हो। तो फोटो फ्रेम भी एक बर्थडे में रिटर्न गिफ्ट देने का बहुत अच्छा ऑप्शन है। देन एक छोटी छोटी डायरी नहीं होती जो पासवर्ड से प्रोटेक्टेड होता है, आप वो भी दे सकते हो स्पेशली गर्ल्स को। बॉयज को तो मुझे नहीं पता, लेकिन गर्ल्स जो है उनको डायरी लिखने की आदत होती है एंड जो बच्चे हैं उनको भी कुछ 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 लिखना होता है। तो आप अगर पासवर्ड प्रोटेक्टेड वाली या फिर जो की से अनलॉक होता है वो वाली डायरी दोगे तो उनको बहुत अच्छा लगेगा, एक अच्छा फील भी आएगा एंड वो अपना कुछ लिखना है जो वो लिख भी सकते हैं। एंड जो एक पासवर्ड वाली भी होती है और की वाली भी होती है, तो आप दोनों में से कोई भी दे सकते हो, बहुत अच्छा रहेगा।
एंड अनदर गिफ्ट रिटर्न गिफ्ट जो आप दे सकते हो वो है राइटिंग बोर्ड या फिर ड्राइंग बोर्ड बोल सकते हो. एक छोटा सा बोर्ड होता है और उसमें थोड़ा बाहर में थोड़ा डिजाइंस भी होता है तो बहुत अच्छा होता है. वो भी उनको दे सकते हो, वो उन पर लिख सकते हैं, ड्राइंग कर सकते हैं, तो उनको बोर्ड में लिखने की हैबिट भी हो जाएगी एंड आपकी तरफ से एक अच्छा गिफ्ट भी हो जाएगा. फिर उसके बाद में आपको नेक्स्ट आइडिया जो है वो है बैग्स दे सकते हो. आप उनको छोटे छोटे बैग्स, हैंड बैग्स दे सकते हो, कार्टून प्रिंटेड, बारबी प्रिंटेड. तो अगर गर्ल्स है तो उनको बारबी प्रिंट वाली बैग्स दे सकते हो, स्लिंग बैग्स दे सकते हो जो बारबी प्रिंटेड हो. छोटा सा स्लिंग बैग आप गर्ल्स को दे सकते हो अगर आपकी बर्थडे पार्टी में जो भी गेस्ट है, बच्चे है, अगर वो गर्ल्स है तो आप उनको स्लिंग बैग दे सकते हो या फिर हैंड बैग, छोटा सा जो पर्स टाइप का नहीं होता, पेंसिल बैग, वो भी दे सकते हो बारबी वाला. एंड अगर बॉयज़ है तो उनको भी दे सकते हो, लेकिन उनको थोड़ा कार्टून वाला दे दो या फिर टॉम एंड जेरी वाला, कैप्टन अमेरिका वाला, ऐसा वाला उनको, या फिर जो गाड़ी के ड्राइंग ऐसा कुछ होता है बैग में बॉयज़ के लिए, तो आप बॉयज़ को वो वाले बैग्स दे सकते हो. एंड गर्ल्स को बारबी, बारबी तो गर्ल्स की फेवरेट है, बारबी प्रिंटेड आप दे सकते हो. एंड द लास्ट मेरे पास जो आइडिया है वो है, आप अगर आपके बर्थडे में बच्चे हैं तो उनको आप वाटर कलर पैलेट दे सकते हो या फिर कोई भी क्रेयॉन्स वो भी दे सकते हो, क्योंकि उनको वो भी ज़रूरत रहती है. वाटर कलर पैलेट अगर आप दे सकते हो तो वो अपना ड्राइंग करके पेंट कर सकते हैं एंड उनको भी एक अच्छा यू नो यूज़फुल होगा. जो भी आप दे रहे हो वो यूज़फुल होगा एंड आपको भी सेटिस्फैक्शन होगा कि मैंने जो भी दिया है वो उनको यूज़फुल ही रहेगा. तो आप हमेशा इस बात का ध्यान रखें कि आप जो भी गिफ्ट रिटर्न गिफ्ट बच्चों को दे रहे हैं वो ऐसा ना हो कि बच्चे आज घर ले जाए एंड कल से उस कल एक दो दिन उसके साथ खेले, अच्छा करे, फिर वो देखे ही ना. ऐसा तो जो उनके लिए अच्छा हो, यूजफुल हो, वो लॉन्ग टाइम तक यूज कर सके एंड उस गिफ्ट का वो पूरी तरह से फायदा उठा सके. तो अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया हो, हेल्पफुल लगा हो, देन प्लीज हिट द लाइक बटन, शेयर करिएगा अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ एंड प्लीज डू सब्सक्राइब माई चैनल कलर्स ऑफ लाइफ. मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में अबाउट सेक्शन में लिंक है, आप वहाँ से फॉलो कर सकते हैं. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. बाय बाय.